आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे संप्रेषण के प्रकार। प्रभावी रूप से संप्रेषण कर पाना यह हमारे व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य किसी से वार्तालाप करते समय या जानकारी का आदान प्रदान करते हुए यह आवश्यक है कि हमें संप्रेषण की प्रक्रिया की सही जानकारी हो, तभी हम हमारी बात अच्छे से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी समझ सकते हैं। संप्रेषण के प्रकार की जानकारी होना भी इसी दृष्टि से आवश्यक है। संप्रेषण के प्रकारों में प्रमुख रूप से चार प्रकार बताए जा सकते हैं, भाषिक तथा अभाषिक संप्रेषण और औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण। संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा का उपयोग होता है या नहीं, इस आधार पर भाषिक तथा अभाषिक संप्रेषण यह दो प्रकार होते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण यह जिन लोगों में हो रहा है उनमें किस प्रकार का संप्रेषण हो रहा है, इसके आधार पर ये दो प्रकार दिखाई देते हैं। भाषिक संप्रेषण में भाषिक, छपा हुआ, लिखित और ध्वनि मुद्रित ऐसे चार प्रकार हैं। भाषिक संप्रेषण उस संप्रेषण के प्रकार को कहते हैं जिसमें संप्रेषण के लिए भाषा का माध्यम इस्तेमाल होता है। शाब्दिक और लिखित संप्रेषण की विशेषताओं को देखेंगे। शाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए शब्दों का सही चुनाव तथा आवाज की तीव्रता में कमी या बढ़ोतरी देखी जाती है। शब्दों का सही चुनाव होने से संप्रेषण में जो संदेश दिया जा रहा है वो प्रभावी रूप से आगे पहुंचेगा। आवाज की तीव्रता में कमी तथा बढ़ोतरी होगी तो जो बात कही जा रही है उसका प्रभाव कायम रहेगा। लंबे समय तक भी बातचीत होने के बाद भी उसमें अभिरुचि बनी रहेगी। साथ ही जानकारी की लंबाई यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर संदेश बहुत लंबा है तो संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अवधान कायम रहेगा ही, यह नहीं कह सकते। अगर जानकारी की नवीनता कायम हो, जानकारी नई हो, तो सुनने वाले का अवधान निश्चित रूप से कायम रहेगा। लिखित संप्रेषण में भी शब्दों का सही चुनाव महत्वपूर्ण है, तभी ही संदेश की बारीकियों को आगे पहुंचाया जा सकता है। जानकारी का आकार तथा लंबाई भी लिखित संप्रेषण में भी महत्वपूर्ण है। जानकारी की नवीनता तथा जानकारी की रचना, यह घटक भी लिखित संप्रेषण में महत्वपूर्ण है। अभाषिक संप्रेषण उसे कहते हैं जिसमें संप्रेषण के लिए भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है, उसकी जगह चित्र, संकेत तथा चिन्हों का इस्तेमाल होता है। अभाषिक संप्रेषण की विशेषताएं हैं शरीरी भाषा, अर्थात हम जिस प्रकार से उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, हम जो बात कह रहे हैं, हमारे शरीर की भाषा भी उसी संदेश को दे रही है या नहीं, इससे हम जो कह रहे हैं उसकी सत्यता पहचानी जा सकती है। संदेश के साथ साथ चेहरे के हाव भाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के चेहरे के भाव उसके द्वारा कहे गए शब्दों से बहुत कुछ अधिक कह देते हैं। अभाषिक संप्रेषण में चिन्हों का इस्तेमाल भी प्रभावी है। जिस बात को आप कहकर शायद संक्षेप में नहीं कह सकते, वहां योग्य चिन्ह का इस्तेमाल जरूरी होता है। भाषा के अलावा चित्रकला से भी संप्रेषण प्रभावी रूप से किया जा सकता है। पुरातन चित्र शैलियों में मनुष्य के उत्क्रांति की कथाएं आज भी हमें जगह जगह पर मिलती है, यह अभाषिक संप्रेषण का ही उदाहरण है। साथ ही संकेत की भाषा भी अभाषिक संप्रेषण में इस्तेमाल होती है। बिना कहे संकेत के जरिए हम एक संदेश दूसरी जगह निश्चित रूप से पहुंचा सकते हैं। संप्रेषण के अन्य दो प्रकार है अनौपचारिक संप्रेषण तथा औपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण ये एक दो व्यक्तियों में या अधिक व्यक्तियों में अंतर व्यक्तिगत किस्म का होता है। व्यक्ति अनौपचारिक संप्रेषण में ही सामाजिक गतिविधियों से जुड़ता है, सामाजिक प्राणी बनता है और समाज के अन्य लोगों से मिलता जुलता है, बातचीत करता है।
औपचारिक संप्रेषण यह कार्यालयीन स्थितियों में होता है, ऑफिस में जहां लोग काम करते हैं, एक दूसरे से संबंध का जरिया कामकाज है, वहां पर औपचारिक संप्रेषण दिखाई देता है। इसलिए संगठनात्मक रचना में काम की जगह पर औपचारिक संप्रेषण प्रभावी रूप से दिखाई देता है और जरूरी भी होता है। अनौपचारिक संप्रेषण में रोज का सामान्य संभाषण शामिल है। हम अपने परिवारजनों से, दोस्तों से, रोज मिलने वाले लोगों से अपने निजी बातों के बारे में, अनुभवों के बारे में, दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। उसे अनौपचारिक संप्रेषण कहा जा सकता है। अनौपचारिक संप्रेषण की एक मर्यादा है कि अनौपचारिक संप्रेषण से ही कई बार कहीं सुनी बातें इधर उधर तेजी से फैलती है, जिसमें सत्यता ना हो, ऐसी भी बहुत सारी बातें अफवाह बनकर सामने आती है। इस प्रकार से अनौपचारिक संप्रेषण से गॉसिपिंग होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए इस बात की सावधानता बरतनी चाहिए कि अनौपचारिक संप्रेषण में भी जिस बात की कहीं सुनी बात हो, जिस बात के बारे में हमें निश्चित रूप से पता ना हो, ऐसी बातों को हमने आगे नहीं भेजना चाहिए। औपचारिक संप्रेषण यह ज्यादातर काम के बारे में होता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति से आपका नया परिचय है, तो आप उससे अनौपचारिक तौर पर संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। ऐसे में औपचारिक संप्रेषण ही मददगार साबित होता है। औपचारिक संप्रेषण यह भी कई बार नियमों के अनुसार होता है। इस वीडियो में हमने चर्चा की संप्रेषण के प्रकारों के बारे में। पहला प्रकार भाषिक संप्रेषण, जिसमें शब्द संवाद महत्वपूर्ण है। भाषिक संप्रेषण या तो लिखित प्रकार का होगा, छपा हुआ होगा या ध्वनि मुद्रित होगा। अभाषिक संप्रेषण शब्दों के बिना होता है, जिसमें सांकेतिक भाषा, चिन्ह, भाव और शरीरी भाषा महत्वपूर्ण है। औपचारिक संप्रेषण ये काम के बारे में होता है, लिखित किस्म का होता है, पत्र व्यवहार में इस्तेमाल होता है और नियमों के अनुसार होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी जगह अनौपचारिक संप्रेषण में हमारी रोज की बातचीत, अनुभवों को बताना शामिल है। महत्वपूर्ण यह है कि जानकारी की सर्वाधिक लेन देन अनौपचारिक रूप से ही होती है और कभी कभी इसीलिए अनौपचारिक संप्रेषण से जानकारी का अपप्रसार या अफवाहें फैलती है। धन्यवाद।